नमस्ते एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। इन टुडेज वीडियो लेट मी शेयर विथ यू माय लिटिल DIYs, जो न सिर्फ आपको अपना घर ऑर्गेनाइज और क्लीन रखने में बहुत मदद करने वाले हैं और आपका समय बचाने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात है वो बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली हैं। यानी कि आज का वीडियो है No cost DIYs. तो चलिए without further ado, let's get jump into the video. दोस्तों, हम सभी के घरों में ऐसी कितनी सारी अननेसेसरी चीजें पड़ी होती हैं जिनका हम करंटली कोई यूज नहीं करते हैं, पर उन्होंने काफी सारी स्पेस ली हुई है। तो चलिए, मेरे भी घर में बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं, करते हैं उनसे कुछ DIYs और करते हैं घर को ऑर्गेनाइज। तो मेरे पास पड़ा था ये कार्डबोर्ड और एक्सीडेंटली पड़ी थी ये शू लेसेस। तो इन शू लेसेस और कार्डबोर्ड से मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत सुंदर सा ऑर्गेनाइजर। ये जो ऑर्गेनाइजर बनेगा वो घर पे पड़ी हुई बेकार चीजों से ही बनेगा। अब मेरे पास शू लेसेस हैं जिनकी मैंने तीन तीन का ग्रुप बनाकर एक प्लेट्स रेडी कर ली है। तो तैयारी पूरी हो गई है, चलिए ऑर्गेनाइजर बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इसे इंटैक करने के लिए मैं वाइट पेपर टेप से सील कर रही हूँ जितने भी जॉइंट्स और वीक एरियाज हैं। और दूसरी बात, आज का ऑर्गेनाइजर बनेगा एकदम टोटली फैब्रिक से। वेस्ट फैब्रिक को इस्तेमाल करके मैं इसे कवर करने वाली हूँ, जो इसे बहुत अच्छी डिजाइन अट्रैक्टिव लुक भी देगा और मेरे घर में पड़ा हुआ वेस्ट फैब्रिक भी यूटिलाइज हो जाएगा। इस ऑर्गेनाइजर में मुझे दोनों तरफ हैंडल्स चाहिए, इसलिए क्रैप अप करने से पहले मैं इनमें हैंडल्स के लिए पायरसिंग कर दे रही हूँ। ग्लू गन की मदद से मैंने पूरे कपड़े को स्टिक कर दिया है अच्छे से, और कुछ इस तरह से फोल्ड किया है जिसमें से धागे बिल्कुल ना निकले। ग्लू गन किसी भी DIY या आपके आर्ट प्रोजेक्ट को बहुत नीटली कंप्लीट करने में मदद कर देता है। अब जब रैप पूरा मैंने कर लिया है ऑर्गेनाइजर को, तो इसका जो इनर है उसके लिए मैं एक व्हाइट कार्डबोर्ड का यूज कर रही हूँ, जिससे ऑर्गेनाइजर थोड़ा हैवी और स्टेबल बन जाएगा। अब जो मैंने प्लीट्स वाली चोटियां बनाई हुई थी उसको मैं अंदर डालूंगी, उससे पहले पायरसिंग एक बार फिर से कर दूंगी ताकि कपड़े में भी थोड़ा सा होल हो जाए। कॉटन है इसलिए ज्यादा स्पॉइल नहीं होगा, जितना मैंने होल करा है सिर्फ उतना ही होगा। ये मेरे लिए एक टी टाइम बास्केट भी है, जब भी चाय पीनी हो बस बास्केट साथ लेके बैठ जाइए। कई बार घरों में बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जिनका ठिकाना नहीं होता, तो उस समय भी आप इस बास्केट को यूज कर सकते हैं। इस ऑर्गेनाइजर को हम अपनी डेस्क पर यूटिलिटी के लिए और डेकोर के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा मल्टी फंक्शनल DIY फ्रॉम वेस्ट इज रेडी। ऑर्गेनाइजर्स केप्ट ऑन द डेस्क मेक्स द क्लीनिंग ऑफ द डेस्क वेरी कन्वीनियंट एंड ईजी। अक्सर घरों में इस ग्लास जार्स में बहुत सारी चीजें आती हैं और हम इसे डिस्कार्ड भी कर देते हैं आफ्टर यूज, लेकिन ऐसी ग्लास जार्स के बहुत सारे फायदे हैं। नैरो होने के कारण स्पेस कम लेते हैं और इनका लिड भी एयरटाइट होता है। ट्रांसपेरेंट होने के कारण चीजें विजिबल होती हैं। मैं इसमें दही जमा कर रखती हूँ। ग्लास और सिरेमिक के कंटेनर्स में दही बहुत अच्छे से जम जाती है। जो बॉइल्ड मिल्क है वो भी फ्रिज में इसे स्टोर कर सकते हैं। चीजें इसमें रखी होती हैं तो ग्रोसरी विजिबल होती है कि कौन सी चीज कब खत्म होने वाली है, तो ग्रोसरी लिस्ट बनाने के समय में भी ये कंटेनर्स बहुत हेल्प करते हैं और दिखने में तो सुंदर हैं ही। आप चाहें तो इनका लिड पेंट कर देंगे तो एकदम अच्छी दिखेंगी। नेक्स्ट हैक और DIY इज ऑल अबाउट स्प्रिंकल बॉटल्स। ये स्प्रिंकल बॉटल्स हमें सीजनिंग, चिली फ्लेक्स या ओरिगैनो में अक्सर मिल जाती हैं। इनका भी आप रैपर निकाल दीजिए और बहुत ही यूजफुल है। इनमें आप चाहें तो अपने घर के मसाले जैसे चाट मसाला है, भुना हुआ जीरा है, यानी वो चीजें जिन्हें आप स्प्रिंकल करके खाते हैं आराम से डाल के रख सकते हैं। ये चीजें भले ही छोटी हैं पर बहुत ही कारगर हैं। ऐसे छोटे छोटे एग्स यूज करके हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। किचन में अगर प्रॉपर टूल्स हों तो हम अपना काम फटाफट खत्म कर सकते हैं। तो अपने लिए छोटे छोटे DIY टूल्स खुद ही बनाइए, वो भी वेस्ट से। ये छोटी छोटी हैबिट्स न सिर्फ हमारे लिए बट हमारे एनवायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छी हैं।
नेक्स्ट ये इज अबाउट दिस कंटेनर लिड्स। ऐसे बहुत सारे कंटेनर्स हमारे घरों पे आते रहते हैं और हम इन्हें किसी न किसी तरह यूज भी कर देते हैं। आइए आपको एक और यूज बताती हूँ। इस लिड से हम करेंगे एक बहुत ही सिंपल सा DIY जिससे हमारा नैपकिन होल्डर रेडी हो जाएगा। करना यह है कि लिड के बीचों बीच एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसे सीजर या नाइफ की मदद से काट लेना है। हमारे पास अब बच जाएगा एक एक्सटर्नल लेयर ऑफ सर्कल जिसे हमें डेकोरेट करना है ताकि हम उसे हैंग कर सकें। आप चाहे तो पूरे सर्कल पर कपड़ा रैप कर सकते हैं। मेरे पास छोटी सी टुकड़ी थी, पैटर्न बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा पीस ही रैप किया है। बाकी का जो पीस है वो मैं जूट रोप से कवर कर लूंगी। और देखिए बहुत ही फटाफट रेडी हो गया ये हमारा नैपकिन होल्डर। इसमें एक लूप लगा देना है ताकि मैं इसे कहीं भी हैंग कर सकूं, वो भी मैंने जूट रोप की मदद से ही लिया है। सजाने के लिए आप चाहें तो कोई फ्लावर या ब्रोच लगा सकते हैं। नैपकिन होल्डर इज रेडी। इस होल्डर का यूज अपने स्कार्फ्स और स्टोल्स को भी हैंग करने के लिए किया जा सकता है। इन लिड्स का एक और फंक्शनल यूज है, अगर आप अपने प्लांटर्स के नीचे इसे बेस रख देते हैं तो एक्सेस वाटर या एक्सेस सॉइल आपके प्लांटर के नीचे की एरिया को अनटाइडी नहीं करेगी और क्लीन रखेगी। घर में पड़ी हुई अननेसेसरी वेस्ट चीजों से एक असेंबल करके एक और DIY बनाते हैं। जो ये कार्डबोर्ड्स हैं नोटबुक में से निकलते हैं और जो बॉटल्स हैं वो पेंट की बॉटल्स हैं, उन्हें मैंने क्लीन कर लिया है। मैं कार्डबोर्ड्स को कवर करने के लिए कपड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ। हम पेपर का यूज भी कर सकते हैं, बस इसे कवर कर लेना है। और इसे डेकोरेट करने के लिए लेस यूज कर दी है मैंने, ये भी मेरे पास रखी हुई थी। ज्यादातर DIYs में मुझे चीजें काम आती रहती हैं। ग्लूगन की हेल्प से मैंने लेस का बॉर्डर लगा दिया है और अभी एक छोटी सी ट्रे के सामान रेडी कर दूंगी। मुझे इसका यूज सिर्फ एक ही जगह रखने के लिए करना है। आप चाहें तो इसे डाइनिंग टेबल पर स्पून्स और फॉक्स रखने के लिए भी कर सकते हैं, पर मैंने इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जस्ट हैव अ लुक। इस ट्रे को मैंने अपने घर में पूजा स्थान पर रखा है। आप चाहें तो इनके ऊपर छोटे छोटे प्लांटर्स रख के इन्हें सजा सकते हैं। ये भी चीजें फंक्शनल हो सकती हैं, छोटे DIYs भी फंक्शनल हो सकते हैं। ये वाला मेरा सबसे फेवरेट DIY था। आपका पसंदीदा DIY कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही छोटे और नॉन एक्सपेंसिव DIY से आप भी अपना घर ऑर्गेनाइज और सुंदर रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती है कृपा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय राम जी की।